अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम दोस्तों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन जामिया मस्जिद सकरन रोड ईदगाह के पास से जुलूस का पहला दुआ होगा वहाँ पर, और वहाँ से जुलूस रवाना होगा। जुलूस अपने मुख्तलिफ रूटों से रस्तों से होता हुआ आखिर फाइनल आएगा स्टेशन रोड गोल चक्रे के पास, वहाँ आखिरी दुआ होगा। मेरे अपने प्यारों को, अपने जानने वालों को, अपने मुहिब्बीन को, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने मुरीदों को, लेकिन हमारे वालिद और दादा अबू और ख़ानदान में जो मुरीदीन हैं उन्हें और आलम इस्लाम को, ज़िला शहीद बंजीराबाद के तमाम आवाम को दिल की अथाह गहराइयों से सोने के इस मीलाद के जुलूस में शामिल होने की दावत देता हूँ। यानी ये दावत ख़ास और आम सब के लिए होगा। इसमें नंगर तकसीम करने वाले कोशिश करेंगे नंगर इस तरह तकसीम करें ताकि रिज़िक का बेहरमती ना हो। हमारी मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद व मदरसा विलायतुल उलूम पाकिस्तान की तरफ से पम्फलेट्स इस तरह के छपवा कर पूरे ज़िले में तकरीबन हम लोगों ने तकसीम किया है मरकज़ की तरफ से। उसमें कुछ इस तरह की शरायतें लिखी हैं ताकि बुज़ुर्गों का अदब एहतराम किया जाए और गैर शरी साउंड्स वगैरह नहीं चलाए जाएं। इस तरह के पम्फलेट्स आप तमाम दोस्तों को मिले होंगे ज़रूर, अगर जिसको नहीं मिला है तो उसको मैं दोबारा ये वीडियो के ज़रिए आगाह कर रहा हूँ। ये दावत भी होगा उनके लिए और मेरे लिए उनकी तरफ से दुआएं भी होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये आप और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद शरीफ है, यहाँ भरपूर हमें शिरकत करना है, हर तरह से शिरकत करना है, साफ़ाई सुथराई के साथ और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद होंगे, जुलूस होंगे, उस सब में शिरकत करें। हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अपनी इनकी शहर है वहाँ वहाँ शिरकत फरमाएं, और अदर कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस या प्रोग्राम्स वगैरह मुनक़द होते हैं तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और तावन करें, हर तरह से अपना हिस्सा न्याज व नंगर में भी डालें, इस नशर व शाहत में भी हिस्सा डालें, और जितना हो सके अपनी रब की रज़ा के लिए इस SMS को, इस वीडियो क्लिप को, छोटे इसको आम करें ताकि दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात पहुँचाएँ। और ये एक मेरा या आपका फ़र्ज़ नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। इसी तरह दो दो मिनट के, एक एक मिनट के क्लिप्स बनाकर उम्मत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिलाएं कि वो मीलाद शरीफ में शामिल हो जाएं, और सुन्नतों का कोशिश करें कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। असल मकसद सबको इकट्ठा करने का यही है कि हमें अपनी रब की पहचान अता हो और हमें आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के बारे में मालूम हो। और ख़तीब हज़रात, मुफ्तियान कराम, क़रियान कराम, तमाम सादात कराम जो भी हैं इस प्रोग्राम में तकरीर वगैरह करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ फोकस करें,
बयान वगैरह में अकायद वालम सरसम की शान वगैरह भी बयान करें, साथ में एक एक दो दो सुन्नतें ज़रूर सिखाने की तरतीब बनाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का खादिम अदना सा विलायत अली बिरोई मोहतमी में आला मरकज़ अहले सुन्नत पाकिस्तान नवाबशाह, वर्ल्ड इस्लामिक चिल्ड्रन सेंटर नवाबशाह पाकिस्तान और जामिया विलायतुल उलूम पाकिस्तान नवाबशाह की तरफ से दिल की अता गहरा से एक मरतबा फिर सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहीं भी मेरी अल्फाजों में कमी पेशी होता है, गलती जाने अनजाने में हुआ हो, तो उसका मैं तमाम साथियों, तमाम दोस्तों, तमाम बुज़ुर्गों से, अपनी बहन बेटियों से, अपने इस्लामी भाई और बहनों से सबसे माफ़ी तलब करता हूँ। मुझे माफ़ भी करेंगे और मेरे हक में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद मुझे आकाए करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत की खिदमत और अवाम और उलमाए कराम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।